أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده तर्जुमा। और जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया तो तुमने उसके बाद बिछड़े को अपना माबूद बना लिया और तुम अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। इसके बाद हमने तुमको बख्श दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का एक वाकया बयान किया है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बुला लिया, कुएं तूर पर बुला लिया, तो बनी इसराइल ने उनके जाने के बाद एक बिछड़े को बना लिया। बनी इसराइल के अंदर एक जादूगर था जिसको सामरी कहा जाता था। उसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहाँ पर घोड़े से गुजरे थे वो मिट्टी उठा ली और वहाँ पर एक बिछड़ा तामीर कर लिए बना लिया। उस बिछड़े के अंदर जब हवा जाती तो वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें निकलती और बनी इसराइल ने उस बिछड़े को अपना माबूद बना लिया और उससे उसकी इबादत करने लगे और उससे दुआ मांगने लगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने इस कौम को ख़बरदार किया और उस बिछड़े को ख़त्म कर दिया और तोड़ दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी खुसूसी मेहरबानी फरमा कर उस कौम बनी इसराइल के इस गुनाह को माफ़ फरमा दिया। इस आयत में भी अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातिब करके कह रहे हैं कि हमने तुम्हें इसके बाद माफ़ कर दिया कि शायद तुम शुक्रगुजार और शुक्र करने वालों में से हो जाओ। सच फरमाया अल्लाह ताला ने।